जय हिंद दोस्तों, तुसी देख रहे हो 7C न्यूज़ की लाइव कवरेज। समाज दे विच अपने आले दुआले जे गल जिला पठानकोट की करिए तो बहुत सारे ऐसे गरीब लोग ने जिहड़े लाचार ने और जदों कोई बीमारी या कोई कष्ट उन्होंने हुंदा ते उन्होंने इलाज लई उन्होंने कोल पैसे नहीं हुंदे ते असीं अक्सर सोशल मीडिया ते देखते हैं कि पूरे देश दे विच अलग अलग संस्थावां ने अलग अलग NGOs ने जिन्होंने बीड़ा चुकया आम लोगों की मदद करन दा, भावें गरीब लोगों के घर हो जिहड़े किसी बरसात कर या किसी आपदा करके टुट जाते हैं तो उन्होंने हैल्प की जाती है। किसी के घर राशन नहीं है तो कोई NGO उन्होंने घर राशन मुहैया करवाती है और किसी नूं अगर किसी तरह की लोड़ पैंदी है तो हर वर्ग लई हर तरह के जिहड़े NGOs जिहड़े समाज दे विच एक्टिव ने। पर जे जिला पठानकोट की गल करिए ते बीमारी दे चलदियां जे मैडिकल फैसिलिटी दे चलदियां दी गल करिए ते पठानकोट दे विच इस तरह की कोई संस्था अजे तक सामने नहीं आई कि जिहड़ी खुल के लोगों की गरीब लोगों की मदद कर सके, क्योंकि जिस तरह असीं देखिया कि लुधियाने दे विच या वड्डे वड्डे शहरां दे विच ऑलरेडी संस्थावां बनियां हुई हैं जिहड़े कि पैसे नहीं लैंदे पर वो लोगों का जिहड़ा इलाज करवाते हैं डायरैक्ट, जिहड़े लोग दान करना चाहते उन्हां नूं मिलवा देंदे उन्हां दे नाल पेशेंट्स दे नाल और उन्हां दा इलाज हुंदा ट्रीटमेंट हुंदा और एक सहायता होंदी है। तो हुण एक अच्छी गल है कि साडे पठानकोट दे विच भी एक युवा ऐसा है जिहड़ा कि नौजवान है, एक जिंदा दिली उहदे विच हैगी, एक सोच हैगी है कि किसी तरह मैं गरीब लोगों की जिन्हां लोगों को पैसे नहीं है मैडिकल खर्चे दे लई उन्हां दी जिहड़ी हैल्प है वह करवाई जाए और भी किसी तरह के जिहड़े लोगों नूं परेशानियां ने जरूरी नहीं है मैडिकली, होर भी कई तरह की जिहड़ी परेशानियां ये उन्हां दी सहायता करवाते हैं और काफ़ी लंबे समय तो एक्टिव ने पर इस वेले इंडिविजुअल फुलफिल हो के उन्हां दी संस्था जिहड़ी वो सामने आई है। कौन है वो नौजवान और की है उहदा इरादा की है और की हुण तक कर चुकिया की पूरी कहानी है उन्हां नाल ही असीं गल करांगे। उन्हां दा नाम है एरिक आहूजा। एरिक जी बहुत बहुत स्वागत है तुहाडा 7C न्यूज़ ते। पहला तो सारे सत श्रीकाल जी। असी अज तो 1.5-2 साल पहले आप NGO स्टार्ट की सी PB35 यूथ NGO के नाम तो, जो कि हूँ आप जी मेरी एज की यूथ हो गई उन्हें अगे अपील है लोगों अगे सारे वास्ते कि अगर आप PB35 तो स्टार्ट की सी कि हर एक शहर के जाए बिकॉज ये किसी भी मेरे परसनली कोई मेरा अपना नाम नहीं है या मेरी फैमिली का नाम की कोई चैरिटी नहीं खोली मैं PB35 अपने शहर का कोड और यूथ जिहड़े मेरे वर्गे युवा बच्चे ने या आपां यंगर्स जिहड़े हैगे आ आपां किसी भी तरह अलग मतलब गलत चीज़ां नूं छड के आपां इस चीज़ वल तुरीए कि किसी का भला हो जाए तो आने वाले टाइम दे विच आपां बहुत गलत चीज़ों तो रोक सकते हैं अगर आप किसी की मदद करते रहिए। तो मतलब नौजवान जिहड़ा अज कल इंटरनेट से बिजी है तो वह एक किसी तरह समाज की सेवा दे विच भी हिस्सा लवे कि ताकि बाहर निकल के आवे और जिस बंदे नूं लोड़ है गरीब नूं उहदी मदद की जा सके। PB35 ही नाम क्यों रखिया? सब तो पहला सवाल मेरा तुहानूं इहो पता। मैं सर तुहानूं पहले भी इह मैं सब तो पहले गल ही इहो क्लीयर की है कि जदों आइडिया दिमाग दे विच आया सीगा कि NGO आपां स्टार्ट करिए स्टार्टिंग दे विच साडा कंसैप्ट सीगा कि आपां पर डे एक एक बंदे तो कलैक्शन करिए 10-10 रुपए की। पहला कंसैप्ट साडा इह सीगा, उह कंसैप्ट सिर्फ 3-4 दिन चलिया साडा। उह कंसैप्ट दे विच की आर्गूमेंट इदां दे होए कि जिन्हां लोकां तों आपां कलैक्शन कीती सीगी बिकॉज उस टाइम ते स्टार्टिंग सीगी बहुत ठोकरां मिलियां NGO दे विच बहुत इदां दीआं चीज़ां होईआं ते जदों स्टार्टिंग दे विच आपां इह कंसैप्ट स्टार्ट कीता सीगा 4th दिन के दौरान मैनू एक गल सुनन नूं मिली सी कि मतलब कोई भी आपां मैं भावें जीन पावां फटी हुई भावें कैप वेयर करदा कुछ भी है लोगों नूं आह चीज़ां छड्ड के आह वेखणा चाहिदा कि करदा की आ मेरा एफर्ट की है मेन उह चीज़ वल लोकी ध्यान देण बट लोकी जिहड़े बहुत लोग नैगेटिव ने उहनां अगे मैं उहनां नूं इहो पुछणा चाहुंदा उह लोग उह ने जिन्हां ने जिंदगी दे विच कदी किसे दी मदद नहीं कीती और सिर्फ घर बैठ के कमेंट करदे ने कि दूसरे बंदे दा मोरल इन्ना कि ज़्यादा डाउन कर देंदे कि दूसरा बंदा उठ ही नहीं पाता। मैं गल कर रहा सीगा PB35 दी, पर्टिकुलर PB35 जी। उत्थे जदों आपां स्टार्टिंग कीती सीगी 4th दिन आर्गूमेंट होए किसी ने वैसे गल लाती उह गल दिल दे विच ऐसी चुभी कि उस तों बाद आपां सीधा दिमाग दे विच कंसैप्ट रख लिया कि NGO दा कोई अकाउंट नंबर नहीं होएगा डायरैक्ट हैंड टू हैंड आपां हैल्प करवावांगे। PB35 दा मेन मकसद आ सीगा कि जदों आपां स्टार्ट कीती सीगी दिमाग दे विच इहो आया सीगा कि जिहड़े यंगस्टर ने जिन्हें भी साडा यूथ है वो साडा साथ देगा बिकॉज PB35 एक ट्रेंड बन चुका सीगा उस टाइम ते कि कोई इंस्टाग्राम लगा लो फेसबुक लगा लो हर कोई अपने नाम के पिछे PB35 लगांदा सीगा पता लगेगी पठानकोट तो रिलेटेड ने
बस उस दौरान दिमाग दे विच आइडिया आया साडे कि एनजीओ दा नाम पीबी 35 एनजीओ दा नाम पीबी 35 रखिया जावे। अच्छा एरिक, जित्थों तक मेरी नॉलेज है एक बड़ी वड्डी संस्था नाल तुसी जुड़े होए सी पहला और काफ़ी उस दौरान काम भी होए, काफ़ी लोगों की हैल्प भी हुई, फिर अलग हो के अपनी एक संस्था अलग कर लेनी, वह की कारण है? सर उहदे विच तां मैं ज़्यादा बयानबाजी कर नहीं सकता, बिकॉज एक जदों साडा मकसद हो जाए सेवा का तो सानू सेवा वाली साइड देखना चाहिए। बिल्कुल, तो उन्होंने थोड़ी सीगा सिस्टम इदा का कि उन्होंने छोटे शहरों के जी है जिते रेगूलर सेवा नहीं होंगी सी, जिमें इतने साढ़े महीने के ज़्यादा नहीं तो 10 to 15 केस होंगे, वड्डी सिटिया के डेली दे 50-60 केस डेली दे होंगे सी। हुण सिस्टम की है कि जिहड़ा छोटे शहरों की उन्होंने टीम बंद करन नूं कहा कि आपां बंद कर रहे हैं, तुसीं अपना देख लो जिवें सैपरेट कर सकते हो। असी की सिस्टम क्योंकि आपां अपनी स्टार्ट कीती सीगी और अपनी ही अगे चलूगी, आपां पठानकोट दे विच सेवा नहीं बंद होंदे नहीं, बिकॉज आपां इत्थों दे लोकां दी सिचुएशन फेस कर रहे हैं इस टाइम ते। थोड़ा एक नाम दा आर्गूमेंट होया सीगा ते आपां फिर इहो सोचिया कि अगर अपने शहर दे लोक ही साडा साथ दे रहे ने, शहर दा डोनर आपां शहर दे विच यूज़ करांगे, अकाउंट नंबर दा कोई है नहीं है कि सानू कोई फंड भेजूगा ते आपां किसी भी थां ते उहदा पैसा लगा सकीए। हुण जिहड़ा पठानकोट दा डोनर है उह पठानकोट दे पेशेंट लई ही मदद करदा, सो सानू सिर्फ लोकां दे साथ दी जरूरत है, नाम वगैरह च कुछ नहीं रख्या। एरिक, हुण तक जिन्ना भी तुसीं काम कीता है इंडिविजुअल कीता जां किसी दी हैल्प नाल कीता, पुछना ते नहीं चाहीदा पर फिर भी क्योंकि लोकां दी नॉलेज आना चाहिए कि तुसीं की कर रहे हो, हुण तक एवरेज तुसीं किन्ने लोकां दी हैल्प कर चुके जां किस अमाउंट तक तुसीं लोकां दी हैल्प कर चुके? सर अमाउंट जिहड़ा इस टाइम ते प्रॉपर मैं दस नहीं सकदा, लखां दे विच हो चुकी है इस टाइम ते। ओके, और जे मैं दसना चाहवां कि पेशेंट्स दे जिहड़े हुंदे ने, हुण मैं तुहानूं दसना चाहवांगा कि कई लोग इदां दे सवाल करदे ने कि तुसीं कोलों की लगाया, बहुत लोग इदां दे सवाल करदे ने कोलों लाण दा की सिस्टम है, कि जदों आपां एक पेशेंट दे लई जांदे आ किसे होस्पिटल दे विच, तो पिछे जी गल है मैं सिविल होस्पिटल गया सीगा किसे पेशेंट दी हैल्प कराउण, डोनर आए पेशेंट आया आपां उहनां नूं मिला के हैल्प करवाती, डोनर चले जाते हैं, एक पेशेंट मेरे तो आंदा है वो कहता वीरे मैनू सिर्फ दवाई की जरूरत है, मैंने सिर्फ 500 रुपए की दवाई लेनी, मेरे को 500 रुपया भी नहीं है। उस टाइम से की होंगे कि एक बंदा 500 मंगन आया, आप पहले वो इनकुआरी करवाईए घर की, उत्थे सिस्टम की होंगे कि जो छोटे मोटे कोई दवाइया वास्ते, क्योंकि अज के टाइम 100-200 रुपए की दवाई हर कोई अफोर्ड करता है, जो कोई 100-200 वाला बंदा भी आंदा कि मेरे को 100-200 रुपया भी नहीं है, उन्होंने जेब चो ही देने पैंते, इदा के बहुत पेशेंट्स ने जिन्होंने आप, मैं नहीं कहता कि मैं परसनली कोलो दिना, कई मेरे टीम के मैंबर होंगे ने, जिमें कि मैं किसी वेले अपने मेरी शॉप है, मैं किसी वेले शॉप पर बिजी हूँ तो अगे टीम मैंबर काम करते हैं, टीम मैंबर स्टार्ट किए भी घट्टो घट्ट 2-3 महीने हुए, नहीं तो 1.5 साल तो सिंगल परसन एज ए मैं काम कर रहा है, घर की इनकुआरियां करवाणियाँ, उमें देखिए तो आप को बहुत 100 के केस आ चुके हैं, सैकड़े हाँ सैकड़े जा चुके हैं, मगर जी मदद हुई है जे आपां मोटे स्केल ते मदद करिए, ज़्यादा अमाउंट च मदद की है, वो साढ़े को 15 to 20 पेशेंट्स ने जिन्हां दी आपां मदद कर चुके हैं। एरिक, मैं पूछना सीगा कि छोटी उम्र है तुहाडी अजे और जिहड़ा तुसीं बीड़ा चुक लिया लोगों की मदद करन दा, घर वाले भी तो कहिंदे होणे कि किहड़े चक्करां च पै गया अपनी दुकान ते बैठ? भाजी इस गल्लों टचवुड है कि अगर अज तक मेरे घर दिया ने मैनूं इन्नी गल नहीं कही कि तू आ सब कुछ छड्ड के, अप्रीशिएट करदे आ, अप्रीशिएट करदे आ, सपोर्ट करदे आ, पूरी सपोर्ट। भाजी 3 बजे फोन आंदे साफ बाइक की चाबी फड़ांदे आ, फट जा। जिहड़े तुहाडे वर्गे होर यूथ ने जिहड़े नहीं तुहाडे नाल जुड़े दे, की अपील करना चाहोगे जिला पठानकोट दे यूथ नूं जिहड़े मदद कर सकदे आ पर नहीं फिलहाल कर रहे या नहीं अगे आ रहे? भाजी देखो एक तो होंदी है फाइनैंशियल मदद होंदी है, एक होंदी सिर्फ किसी नूं थापी देना कि तू कर आपां तेरे नाल आ, है ना, वह की सिस्टम है कि डोनर इस टाइम तो दिक्कत इदा आ रही है कि जिन्ना आपां स्टार्टिंग तो डोनर आपां लिया रहे हैं, डोनर जिहड़े सानूं मिले सीगे वह नामी संस्था दी वैबसाइट दे सीगे। हाँ मैं समझ गया। हुण आपां की करते सीगे कि इस वैबसाइट का हुण इस टाइम तो pbyouthngo.com करके आप वैबसाइट तैयार की है, उहदे विच सिर्फ एज ए तुसी अपना नाम भरना, अपना अमाउंट किन्नी तुसी सेवा कर सकते हो, अमाउंट भी आपां ए नहीं कहिंदे कि हज़ारां विच 100 सैकड़े विच होवे, जिन्ना किसी दी अगर कोई 10 रुपए भी रजिस्टर करूगा उहनूं भी कॉल आऊगी। ओके, सिस्टम की है कि जदों कोई रजिस्टर करूगा कि साडा आपां इन्नी मदद कर सकते हैं कि वैबसाइट पर जाके अपना नाम लिखता, अमाउंट लिखता, जगह लिखती, लोकैलिटी लिखती, जो भी है, और अपना एक बॉक्स रखे सजेशन वास्ते। अच्छा, कि आप लोगों की सलाह भी ले सकिए। हाँ बिल्कुल, ताकि तुसी टाइम टू टाइम अपने आप अपडेट कर अपडेट कर सकिए। उहदे विच की है कि अगर जदों कोई अपनी अपना बायोडाटा रजिस्टर करता वह साडे कोल आ जांदा। हुण सिस्टम इदां दा है कि पठानकोट दे विच इस टाइम ते रजिस्टर्ड अगर आपां सोचिए आपां पठानकोट तो बाहर नहीं अजे चल सकते, इन्ना दायरा नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, परमात्मा कराणगे ते अगे लोग जुड़नगे। हाँ मतलब इस तो वध फैलेगी, है ना, सेवा फैलेगी। बट जिहड़े लोग ने इत्थों दे जिवें अपना एरिया देख लो तुसीं, सुजानपुर है, हिमाचल है, मलकपुर है, जे एंड के है सारा, है ना,
हूँ लोग अलग अलग तरीके का मान लो कि अगर मैं कोई नूरपुर का केस आ जाएगा हिमाचल का पठानकोट का डोनर नूरपुर नहीं जा सकता किसी ने 500 की मदद करनी है हज़ार का तेल फूक के उत्थे नहीं जाऊगा। ये उन्होंने लोगों अगर अपील है जो अलग अलग दूर तो दूर बैठे हुए अलग अलग कोने के एक वैबसाइट पर रजिस्टर करन अगर सानू इन फ्यूचर भावें 3 साल लग जाए उतों का कोई केस आऊगा आपां अपना बायोडाटा चैक करांगे कि उस लोकल एरिया का बंदा केड़ा है मतलब एक टाइम आएगा कि तुसीं एड्डी दूर जाके भी मदद करोगे। हाँ जी हाँ जी। अच्छा एरिक एक चीज़ मैं और पूछनी है कि जिस तरह तुसीं हुण वर्क कर रहे हो सेवा कर रहे हो काफ़ी लंबे समय तो अगे भी कर रहे हो पर जिसले कोई कॉल आती है या जिसले कोई पेशेंट लगता फिर वो किस तरह वेरीफाई करते हो कि वो बंदा सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा प्रोसैस की है किसी की मदद करन दा। मैं भाजी तुहानू दसदा सिस्टम की है कि अगर सानू कोई कॉल आती है कि भाजी हैल्प की जरूरत है पहला तो साडा ये मकसद होंगे कि आप कॉल अटेंड करिए कोई नाराज ना हो है ना कोई भी है अगर लोड़मंद फेक भी आते जैनुअन भी आते हैं फेक जैनुअन का की सिस्टम है आपां पहले उन्हां तों मंगवाना उन्हां दा आधार कार्ड और एक आपां मंगवाने घर दी वीडियो ओके घर दी वीडियो दे विच की हुंदा कि बंदे दे रहण सहण दा हालात पता लग जांदे आ एक घर दी वीडियो जदों आपां मंगवाने आ उह आपां किते भी सोशलाइज़ नहीं करदे कि किसे दा घर आपां दिखा रहे हैं कि आ इह फलाने दा घर है सिस्टम की हुंदा कि जदों आधार कार्ड आ जांदा फिर आपां एक सिस्टम देखदे आ कि उस एरिया दे विच अपना बंदा कौन होएगा अगर अपना बंदा कोई नहीं है राइट इनफॉर्मेशन कदों कोई मिलेगी अगर अपना बंदा कोई नहीं है फिर टीम मैंबर एक जांदा है और जाके घर के प्रॉपर इनकुआरी करता है उन्होंने नेबरस तो पुछता है अगर कोई रेंट पर रह रहे हो तो मकान मालिक तो पूछा जाता है कि तुम किदा का इन्हों का स्टार्टिंग तो की मकसद है हूँ बहुत लोग इदा देने कि जिन्होंने घर के रेंट रेंट थो रीसेंटली केस आया 2-4 दिन पहले उन्होंने को रेंट नहीं है घर का देने जोड़े मकान मालिक ने वह भी इस टाइम तो उन्होंने व्यापार जो बंद होया पाया वो साफ कह रहे कि साडा जो खर्चा निकलना इन्हों रेंट तो निकलना हूँ अगर आप उन्होंने मदद कराने आप सिर्फ उन्होंने आप श्योर नहीं करते कि आप सारा खर्चा जरा करवा सके पर जो हेल्प हो सके जिनी हो सके जिन्ना साढ़े को डोनर्स आए डोनर्स जिन्ने आएंगे उस अकॉर्डिंग आप अगर हेल्प करवा सकते हैं। मान लो इस टाइम तो मेरे को एक्टिव केस चल रहे हैं 7 तो 8 7-8 केसा का इस टाइम तो ज़्यादा नहीं तो 80 तो 90 हज़ार रुपये 1 लाख रुपये आप लैके चलीए 10-10 हज़ार रुपये मिनीमम आप हेल्प करवा सकते हैं क्योंकि मेडिकल जे मेडिकल प्रॉब्लम से देखा जाए कुछ भी नहीं है इतने 1 लाख रुपये का इंजैक्शन तक आंदा है राइट तो मैं ये दसो कि हूँ मान लो अगर किसी पेशेंट को दूर दराज बैठा पठानकोट के जिले के ही हो मेरे को नहीं पैसे तो मैं कॉन्टैक्ट करना तुम्हें वो किस तरह करेगा कॉन्टैक्ट भाजी सब तो पहले जेड़ा आज दी यूथ है यंगस्टर ने बड़ी गलत तो गलत वीडियोज़ होनगियाँ वो रातों रात वायरल हो जाए एहो जी वीडियो शेयर नहीं होंगी बिकॉज अज के टाइम तो मैं दसदा इन्नी सरकार के जोड़े साडे MLAs हो गए या जिन्हें भी साडे कौंसलर वगैरह ने इन्ने साडे किसी पार्टी के कौंसलर नहीं है जिन्नी NGOs खोल चुकी हैं राइट क्योंकि यह गौरमेंट का फेलियर है कि NGOs रातों रात इन खोल जाए फिर NGOs का सिस्टम की हो चुका इस टाइम पर कि व्हाट्सएप ग्रुप बनाते हैं मुंडे 4 दिन सेवा की जो तो 5वें दिन देखते हैं कि हाँ फंड आना शुरू हो गया फिर दिमाग के लालच आ जाता नीयत बिगड़ जाती है जो नीयत बिगड़ गई उत्थे फंड तो आ रहा है हूँ कई NGOs इदा यूज नहीं हो रहा फंड यूज नहीं हो रहा हूँ कई NGOs इदा दी है मैं यही कहता सारिया NGOs गलत है NGOs कई इदा दी है जिहड़िया अकाउंट नंबर यूज कर रही हैं बट कई NGOs इदा दी है अकाउंट नंबर के फंड आ रहा है रीसेंट लेके एक केस दसदा मैं तुहानू साडे एरिया का सीगा एक फोटो प्रॉपर डिटेल लिखी हुई है आप इनकुआरी कटवाई वो बच्चे की मुंडा सीगा कोई 24-25 साल एज सीगी उसकी एक्सीडेंट के डैथ हो चुकी थी तो 9-10 महीने पहले उसकी डैथ हो चुकी थी बट वो अजे भी फोटो वायरल हो रही थी कई लोग इदा के ने जो NRIs बैठे हुए हैं जो दिल से लै जाते उस टाइम पर वो देखते नहीं फटाफट अकाउंट टाइप किया ऑनलाइन पेमेंट की तो ट्रांसफर करते मतलब पैसा अजे भी आ रहा उन्होंने पैसा अजे अवेयरनैस की कमी अवेयरनैस की कमी है हूँ साडा NGO का सिस्टम देख लो तुम टोटल ट्रांसपेरेंट है अगर कोई कह दूगा अगर कोई कल सा टीम मैंबर या कोई भी पैसे फटदा आप नहीं कह रहे कि आप अकाउंट नंबर 2 डायरैक्ट करवाने पैसे हाथ तक कोई नहीं लगाता डोनर आंदा डायरैक्ट पेशेंट को पैसे फड़ा के जाता अगर इन फ्यूचर या कोई पहले आके दावा कर दे कि इन्होंने पैसे आंदा यूज़ किया कि साढ़े तो पैसे फड़े है उस टाइम तो चौंक के खिलार विच खिलार के जो मर्जी करना है कर लो नहीं चलो अलग चीज़ है किन्ने मैंबर तो टीम के टीम के ऑफिशियली इस टाइम तो मैंबर जो चल रहे हैं 4 तो 5 मुंडे हैं सिर्फ आप भी यंगस्टर ने मुंडे मेरे तो छोटी एज के ने सारे और फिलहाल तुहानू सब तो ज़्यादा मुश्किल किस काम च आ रही है क्योंकि तुहाडी जिहड़ी NGO है वो हजे हाले स्टार्ट ही है ना तो दिक्कत भी जरूर आ रही होगी मेन दिक्कत की आ रही मेन दिक्कत सानू ये आ रही है इस टाइम पर कि पेशेंट ज़्यादा हो रहे हैं डेली डोनर्स घट ने हाँ जी डेली 1-2 केस आ ही रहे मिनीम 1-2 केस है ही है
आते चार पाँच है बट कई इदा के होंगे जिन्होंने आप इनकुआरी वास्ते कह दें कि अपने घर की वीडियो सेंड कर दो या अपना आधार कार्ड सेंड कर दो सानू सेंड नहीं करते वह उन्होंने इच्छा है जिन्हें हेल्प लेनी है उन्हें कुछ भी करना है हूँ कई लोग कहें कि साडा प्राइवेट तो ही ट्रीटमेंट करवाओ कई पेशेंट इदा के होंगे ने जो कहें सिर्फ साडा ट्रीटमेंट करा दो जितों मर्जी करवा दो हूँ जो ट्रीटमेंट पठानकोट के अगर तुम कह रहे हो कि हूँ तुम पिछे जी रौला देखे होना जेनेटिक जेनरिक और एथिकल दवाइया का है ना वो बिल्कुल जायज़ है वो चीज़ अगर आप देखिए कि जी एम आर आई वगैरह वेख लो तुम चार चार पांच पांच हज़ार की होंगी है उ एम आर आई पी जी है जो चार पांच सौ रुपये हो जाती है मशीन तो सेम है वन टाइम इनवैसटमेंट है मशीन सेम है बट ये चीज़ क्यों हो रही है पांच सौ का हज़ार लै लन दो हज़ार लै लन हूँ तुम की अपील करना चाहते हो तुम की मतलब लोगों जो लोग उम्मीद कर रहे हो कि एन जी ओ अगे वधे लोगों की अपील है लोगों के अगे अपील यो ही है हथ जोड़ के यो अपील है कि पठानकोट के लोगों लिए बहुत नीडी परसन ने हजे भी पठानकोट के सिर्फ पठानकोट के है कि पठानकोट के अवेयरनैस नहीं हैगी इतने अगर आप देखिए तो यूनिटी नहीं है इतने हर कोई कहता कि मैं अलग चला मैं अलग चला अगर आप एकजुट हो के चलीए तो बहुत इदा के नीडी पेशेंट्स ने नीडी लोग ने जिन्हों के घर राशन तक नहीं है इस टाइम तक करोना के टाइम तो बहुत लोगों ने राशन की सेवा की इस टाइम तो कई परिवार हजे इदा के जिन्होंने को एक टाइम की रोटी खाने राशन नहीं है घर अपील यो ही है कि काफ़ी पेशेंट साढ़े को इस टाइम तो चल रहे हैं तो डोनर्स की दिक्कत इन्नी कि ज़्यादा आ रही है कि जो आप डेढ़ दो साल तो जी एन जी ओ चल रही है बस उ जो डोनर ने उ रिपीट हो रहे हैं आपंथ के आप अगर मान लो कि हूँ सत्त अठ पेशेंट चल रहे हैं रीसेंट मैं एक हेल्प करवाती है हूँ अगर वो डोनर मैं बुला मैं एक महीने तो पहले नहीं बुला सकता बिकॉज हर कोई अपना दसवंध कटता महीने का हर किसी ने अपना दसवंध कट के ही सेवा करना आना है क्योंकि बहुत लोग इदा देने कोई रेहड़ी वाले भाजी हूँ तक इदा देने जे रेहड़ी लगाते हैं तो शाम को सेवा करना बिल्कुल जज्बा जज्बा होंगे कि बहुत साढ़े ये नहीं है कि पठानकोट के चंगी फैमिलीज़ तो लोग नहीं है बहुत चंगी चंगी बहुत चंगी फैमिलीज़ ने बहुत एन आर आईज़ भी ने अगर एन आर आईज़ की गल करिए हमेशा मैं अपनी वीडियो के यो गल करता कि एन आर आईज़ की सपोर्ट सूँ चाहिए होंगी है कि एन आर आईज़ का जो दसवंध होंगे ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਮਿਨੀਮਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅੱਠ ਤੋਂ ਦਸ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਇਹ ਐਰਿਕ ਅਹੁਜਾਇਆ ਪੀ ਬੀ ਪੈਂਤੀ ਯੂਥ ਨਾਮ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਨ ਜੀ ਓ ਹੈ ਔਰ ਕਾਫੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਡੀਵਿਜੁਅਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੰਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਾਈ ਹੈ ਐਨ ਜੀ ਓ ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਔਰ ਹੋਸਪਿਟਲ ਸਿਵਲ ਹੋਸਪਿਟਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਡੇ ਬਾਈ ਡੇ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਂਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਣ ਪਰ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਉਹਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਏਗੀ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਟਰ ਅਲੱਗ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਇੱਕ ਇੰਡੀਵਿਜੁਅਲ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ ਚਾਰ ਪੰਜ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈ ਉਹਦੀ ਪਰ ਉਸਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਡੋਨਰਸ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਧਨਾੜ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਨੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਐਸੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਪਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਡਾ ਜ਼ਰੀਆ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣਾ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਏਗਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਦਾਨ ਸੇਵਾ ਦੇਗਾ ਅਤੇ ਐਰਿਕ ਨੇ ਅਗਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਠਾਈ ਹੈ ਉਹਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਉਠਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਧਨਾੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਐਰਿਕ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾਂ ਐਰਿਕ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਐਡਰੈਸ ਦੱਸਿਆ ਜਿਹੜਾ ਈਮੇਲ ਐਡਰੈਸ ਦੱਸਿਆ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੱਸੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਦੀ ਹੈਲਪ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਐਰਿਕ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਤੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਐਨ ਜੀ ਓ ਦੇ ਥਰੂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਮੁਨੀਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਜੀਵ ਮੰਗੋਤਰਾ 7C ਨਿਊਜ਼ ਪਠਾਨਕੋਟ